इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ का ग्रेटर नोएडा का दौरा है आज, बेहद खास ये दौरा माना जा रहा है। दोपहर 2:15 पर सीएम योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे और ग्रेनो इंडिया यहाँ पर एक्सपो मार्ट जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर निरीक्षण भी करेंगे। शाम 6 बजे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी बुलाई गई है, उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। मंडल के पुलिस अफसरों के साथ भी मीटिंग करते हुए दिखाई देंगे, बकायदा उन्हें दिशा निर्देश देंगे। 11 सितम्बर को सेमिकॉन इंडिया का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और उससे पहले जायजा लेने के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं ग्रेटर नोएडा। तैयारियां पूरी कर ली गई है, अफसरों के साथ मीटिंग का भी सीएम का पूरा कार्यक्रम है। 11 सितंबर को सेमिकॉन इंडिया का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे, उससे पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री ग्रेटर नोएडा पहुंच रहे हैं और उसके बाद जो है अधिकारियों के साथ बातचीत का भी सिलसिला देखा जाएगा, अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। तो दोपहर 2:15 पर सीएम योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे। सहयोगी अश्विनी हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। अश्विनी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा पहुंच रहे हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज ग्रेटर नोएडा का दौरा है। निश्चित तौर पर ये वही नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है जहां पिछले जो मुख्यमंत्री थे, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे मायावती हो, जाने से कतराते थे, क्योंकि ऐसी एक भ्रांति बन गई थी कि अगर जो नोएडा या ग्रेटर नोएडा जाएगा वो अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो 2017 में वो मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद लगातार लगभग हर दूसरे तीसरे महीने ग्रेटर नोएडा नोएडा के दौरे पर रहते हैं, क्योंकि उन्होंने उस भ्रांति को दूर किया और स्पष्ट कहा, अगर मेरी राजनीति खत्म होती है, मेरी कुर्सी जाती है तो जाए इस, लेकिन मैं अपने लोगों के बीच जरूर जाऊंगा। निश्चित तौर पर समय समय पर ग्रेटर नोएडा नोएडा पहुंच करके वहां के लोगों से मुलाकात करते हैं और वहां के दुख समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं, वहां विकास के लिए पिटारा भी खोलते हैं। आज एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा जा रहे हैं, लगभग 2:15 जो है वो पहुंचेंगे वहां पर। इंडिया मार्ट पहुंच करके जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेंगे, क्योंकि 11 सितंबर को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है वहां और कहीं ना कहीं उसी चीजों को कहीं ना कहीं तैयारी को जायजा लेंगे। इसके साथ ही साथ डेवलपमेंट विकास की समीक्षा करेंगे कि आखिर क्या क्या सा विकास हुआ, विकास कार्य कौन कौन से हुए, पिछले 6 से 7 सालों में जो डेवलपमेंट के लिए तमाम स्कीम्स उत्तर प्रदेश सरकार लाई थी क्या वो जमीन पर लागू हो पा रही है, कितनी देरी में कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम जल्दी हो रहा है, कहां पर क्या समस्या आ रही है, तमाम चीजों का जिक्र कहीं ना कहीं अधिकारियों के साथ से पूछेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। बात करें अगर तो मंडल के जो अधिकारी होंगे उनके साथ भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी समीक्षा करेंगे, कानून व्यवस्था हो या फिर तमाम अन्य मुद्दे हो उनको लेकर के चर्चा करेंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज का ये मुख्यमंत्री का जो दौरा है नोएडा का वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल अश्विनी, बेहद खास ये पूरा दौरा माना जा रहा है, अधिकारियों से बातचीत करेंगे, जाहिर है कि तमाम दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आएंगे और हो सकता है कि कई कार्यक्रम को लेकर वो फीडबैक भी ले सकते हैं। बिल्कुल, जब समीक्षा बैठक होती है, जब मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम चीजों का फीडबैक भी लेते हैं, चाहे वो कार्यक्रम हो ना, उसकी तैयारियों का जायजा हो या फिर उसकी जानकारी मांगना हो या फिर जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं नोएडा में या यूं कहें कि NCR में, क्योंकि ये जो उस एरिया के तमाम मंडल के जो अधिकारी हैं वो भी इसमें बैठक में शामिल होंगे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनसे भी जानकारी मांगी जाएगी कि आखिर क्या क्या वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है। बिल्कुल अश्विनी, बेहद खास पूरा दौरा माना जा रहा है, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका।